कहा जा रहा था बीमा भारती नहीं पहुंची और ये कहा गया सदन से कि उनका इलाज किया जाएगा, और अब जो सीन है लग रहा है कि इलाज हो रहा है। नहीं नहीं, कोई इलाज नहीं हो रहा है, सब लोग साथ आ गए हैं, कोई समस्या नहीं है। जब साथ लोग नहीं आते हैं तब तो उसका उपाय किया जाता नहीं है। तो जब डूबने की स्थिति थी तब सहारा नहीं मिला, जब उबर गए तब साथ मिला। नहीं, सुबह का भोला हुआ व्यक्ति शाम में पहुंच जाता है तो वो समझा जाता है कि वो अपना ही है, पराया नहीं है। तो कैसे भटक गए, भटक कैसे गए थे? ये जानकारी मुझे नहीं है, जानकारी मिलेगी तो आप लेकर आपको पूरी जानकारी देंगे। अब ये कुछ होते रहता है तो उसकी जानकारी पूरी लेकर के आपको देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा ना, ऐसे अधूरी जानकारी लेके आप क्या कीजिए। सरवन बाबू देखिए, जिस तरीके से बयान सदन में उप मुख्यमंत्री की ओर से दिया गया कि 5 लोग मिसिंग हैं या फिर जो कुछ इस तरीके के, एक एक का इलाज किया जाएगा और इलाज के सिम्टम जो है वो दिखने शुरू हो गए तो सवाल तो उठेंगे ना। नहीं, सवाल तो उठना वाजिब है, हर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, वही प्रतिक्रिया। लेकिन मैं कहा कि जब सुबह का भूला हुआ व्यक्ति अगर शाम को घर पहुँचता है तो उसको मिसिंग नहीं कहते हैं, उसको कुछ भूल कह सकते हैं। लेकिन डॉक्टर संजीव ने कहा कि आप लोगों ने मामला दर्ज हो गया, प्रशासन ने डिटेन किया, इस वजह से आने में लेट हुई। अब ये पूरी जानकारी नहीं है, पूरी जानकारी जब रहेगी तब ना देंगे। हम लोग को तो देखा कि सदन में सब लोग आ गए और समय, कुछ लोग समय पर आए, कुछ लोग समय के बाद आए, लेकिन सब लोग आ गए। रास्ता भटक चुके थे, अधिकारियों पर कार्रवाई करने की बात हम लगातार कह रहे थे लेकिन सरकार कार्रवाई नहीं कर रही थी। किस पर कार्रवाई रही? भ्रष्ट अधिकारियों पर। अभी तो शुरू हुआ है, अंत थोड़ी हुआ है। जब शुरुआत हुआ है तो आगे भी कुछ कार्रवाई होगी ना, कार्रवाई का समय सब समाप्त शुरू हुआ है, अभी तो शुरू हुआ है, तो कार्रवाई होगी, आगे भी कार्रवाई होगी। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उप मुख्यमंत्री जी ने कोई बात कही है तो उस पर अमल किया जाएगा ना। अमल किया जाएगा, फाइलों की जो बात हो रही थी फाइलें खुलेंगी। धन्यवाद। खुलेंगी वाला तो कल दिखाई पड़ गया। हम लोग के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, मंत्री रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, बहुत सीनियर लीडर हैं जिनको विधायिका का पूरे किताब है, वो विधायिका की, वो अभी नामांकन करेंगे और उम्मीद है कि सरसम्मत से हो जाना चाहिए, क्योंकि कल जो है बहुमत साबित में लोगों देख चुके हैं और हम लोगों ने पहले भी कहा था 128 से ज़्यादा, तो 128 से ज्यादा हुआ तो आदरणीय नंद किशोर जी आज नामांकन करने वाले हैं। जेडीयू के विधायक अपने ही विधायक पर किडनैपिंग का केस कर रहे हैं, डॉक्टर संजीव पर भी आरोप लगे हैं। नहीं, वो तो कानून अपना काम करेगा, जो शिकायत मिली है उस पर जांच होगी और जांच करके उचित कार्रवाई होगी। आपके भी विधायक रास्ता बदल चुके थे, 2-3 विधायक। नहीं, जो भी है उसको हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, सम्राट चौधरी जी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सदन में बताया है कि वो तो पार्टी निर्णय करेगी, वो पार्टी निर्णय करेगी। कल खुद हम लोग के विधानमंडल दल के नेता और पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, तो उन्होंने खुद कहा है विधानसभा में वो निर्णय करेगी। आप भी बहुत बड़े नेता हैं, आपको कोई जिम्मेवारी मिलने जा रही है?